गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग की क्लास क्या होगी? आज हम लोग की क्लास होगी न्यूमेरिकल की, है ना? तो आज हम लोग दो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? तो अब ये जो न्यूमेरिकल होगा किस पर बेस होगा, तो इसका आंसर ये है जो हमने पिछली क्लास में यानी कल की क्लास में सीखा था, जो हीट कैलकुलेशन हमने किया हुआ था एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, उस पर बेस। ठीक, तो आज हम लोग एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है? तो ये रहा क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर। तो क्वेश्चंस है ये आपका पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन वन आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, ठीक है? तो कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस, आपको हीट निकालनी है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का आसान तरीका हमने आपको बताया हुआ है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे खूब अच्छे से, फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको नोट करेंगे, क्या पूछा है उसको लिखेंगे, हैं? फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमको दिए हुए हैं, है ना, वे एक सिस्टम में है कि नहीं, उनकी जो यूनिट है एक सिस्टम में है कि नहीं। अगर उनकी यूनिट एक सिस्टम में है, बस फार्मूले पर को आंसर ले जाओ, ठीक है? और अगर एक सिस्टम में यूनिट नहीं है तो उस यूनिट को हमको चेंज करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए, तो क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले हमको पूछा क्या है, हीट हमको निकालनी है। कब निकालनी है? When 96,000 कूलम ऑफ चार्ज, ये आपका क्या है, कूलम, कूलम मतलब चार्ज है ये, तो आंसर है ये क्यू है यानी चार्ज की वैल्यू है, कितने हैं 96,000 कूलम चार्ज है, इज ट्रांसफर्ड इन वन आवर, तो ये क्यू कूलम चार्ज यानी 96,000 कूलम चार्ज एक घंटे तक ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और टाइम आपको दिया हुआ है वन आवर, ठीक है? अब क्या पूछा हुआ है, वन आवर तक ट्रांसफर हुआ थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस के यूज करने पर, ठीक है, जो चार्ज फ्लो हुआ 96,000 कूलम वन आवर तक, ठीक है, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना हमने अप्लाई किया, कितना यूज किया, 50 वोल्ट, ठीक है? तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है 50 बोल्ट, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। तो अब हमको क्या पूछा है, हीट पूछा हुआ है, तो हीट का फॉर्मूला हमको पता है आई स्क्वायर आर टी, ये है ना? तो सबसे पहले हमको कहीं ना कहीं एक कंडक्टर मटेरियल होगा या एक एप्लियंस होगा, ठीक है, जिस पर हमने पोटेंशियल यूज किया हुआ है कितना, आंसर है 50 बोल्ट का, ठीक है? तो जब हम स्विच को जब हम क्लोज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, आंसर यस करंट फ्लो होगा, ठीक है? और जो यहाँ पर एप्लियंस लगा हुआ है वह कहीं कहीं क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, आंसर यस हीट प्रोड्यूस करेगा, और उस एप्लियंस का कहीं कहीं रेजिस्टेंस होगा, यस होगा, ठीक है? तो जैसे हम स्विच को क्लोज किया तो इसमें करंट फ्लो हुआ, ठीक, और करंट फ्लो हुआ तो करंट फ्लो कब होता है, जब चार्ज फ्लो होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज है 96,000 कूलम, ये पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट यूज करने पर चार्ज फ्लो हुआ, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो आंसर है जो आपका चार्ज है वह 96,000 चार्ज क्या हुआ, फ्लो हुआ, ठीक है, ये चार्ज फ्लो हुआ। तो जब चार्ज फ्लो होगा तो कहीं कहीं करंट फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, ये रहा हमारा। फिर उसके बाद इस जो एप्लियंस का कहीं कहीं रेजिस्टेंस होगा और इसी का हमको हीट निकाल लेंगे, ठीक। तो हमको पता है हीट का फॉर्मूला है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो इस टेबल में हमको क्या क्या दिया हुआ है, आई दिया है क्या, आंसर है नो, तो हमको सबसे पहले आई निकालना होगा, आर दिया है क्या, आंसर है नो, तो हमको आर भी निकालना होगा, टी दिया है क्या, आंसर है यस टी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हीट को निकालने के लिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए, आई का वैल्यू चाहिए,
आर का वैल्यू चाहिए और टी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये जो एप्लियंस लगा हुआ है जो हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं और उसमें कितना करेंट फ्लो हो रहा है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक। तो फिर इस फार्मूले में रखेंगे, हीट की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक, ओके। तो टारगेट हमारा क्या रहा, आई का वैल्यू निकालना, फिर आर की वैल्यू निकालना, तो दोनों वैल्यू इसमें रख देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो फिजिकल क्वांटिटी हमको दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया है ना। अब इसकी यूनिट को चेक करिए, इनकी यूनिट क्या एक सिस्टम में है, एसआई में है तो एसआई में, एमकेएस में है एमकेएस में, सीजीएस में सीजीएस में। तो हमने देखा चार्ज का एसआई यूनिट कूलाम, यह है एसआई में। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो दिया हुआ है यह भी एसआई में दिया हुआ है, लेकिन टाइम का जो यूनिट दिया हुआ है वह एसआई में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको एसआई में चेंज कर लेते हैं। तो एक घंटा है, वन आवर है, तो मतलब 3600 सेकेंड होगा कि नहीं, आंसर यस होगा, ठीक है, ये हमारा हुआ, ओके। तो अब हम लोग को ये फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, तो पहले टारगेट हमारा रहा आई की वैल्यू निकालना। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई का करेंट का फॉर्मूला क्या है, वेरी गुड, क्यू बाई टी, ये है हमको, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्यू, क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू आपको दिया है 96000 यानी 96000, ये दिया हुआ है, डिवाइड बाई टी, टी मीन्स क्या, ये रहा 3600, ये है। अब करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, निकालिए, जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिलेशन करिए, तो कैंसिलेशन करिए, टू से करा सकते हो, ठीक है, फिर जिससे भी कैंसिलेशन हो आप करा दो। तो देखो यहाँ पे 12 से कटाते हैं, 12 से कैंसिल कराते हैं, 12 थ्री जा 36, ठीक है, बारह तीन 36 ना, ओके, और ये 12 अट्ठे 96, 12 एट जा 96 और ये जीरो हुआ, ये रहा हमारा। तो यानी आई का जो वैल्यू मिला हमको, ठीक है, आई का जो वैल्यू मिला 80 बाई 3, ये हमको आई का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब ये रहा हमारा आई का वैल्यू, आई का वैल्यू हमको मिल गया 80 बाई 3। इसको और सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है ना, 80 में 3 का भाग कर सकते हो, करो, ठीक है, 80 डिवाइड बाई 3 कितना जाएगा, 3 दूना 6 2 0, ठीक है, फिर 3 6 18, 3 6 18 ना, यस, 20.6666, इस तरह से आता रहेगा। तो हम ले लेते हैं इसको, राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये हो जाता है आपका 26.6 और 2 प्लेस पर इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो ये हो जाता है 7। तो 26.67 ये आ जाता है आपका, ठीक है, 26.67 और करंट है, ठीक है। तो करंट का यहाँ से यूनिट क्या मिलेगा, कूलाम पर सेकेंड, और उसी का नाम क्या है, एम्पियर। तो ये रहा आपका आंसर। तो आप आई की वैल्यू 80 बाई 3 करके भी आंसर दे सकते हो, या तो फिर यहाँ तक कर लो, बात समझ में आ गई, ठीक। अब ये तो हमारा करंट का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हमारा टारगेट होता है किसकी वैल्यू को निकालना, अब हमारा टारगेट होता है आर की वैल्यू को निकालना। ये जो हीट हमको मिल रहा है, ठीक है, किसी एप्लियंस से, अब उस एप्लियंस का हम लोग क्या निकालेंगे, रजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकालना है हमको। अब देखो क्या क्या हमको दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, आई भी हमको अब मिल गया, ठीक है, उस एप्लियंस का। अब हमको आर निकालना है, तो आर कैसे निकालोगे, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपान आई होगा कि नहीं, यस, वी अपान आई। अब वैल्यू रखो, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी, वी का वैल्यू क्या है, भी का वैल्यू 50, 13 50, ठीक है। अब ये है डिवाइड बाई क्या है, आई है ना, आई, तो आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 26.6666 या 67 रखो, है ना, या तो फिर हमने इसको रख लिया, इसको, तो आई का वैल्यू क्या आया, 80 बाई 3 आएगा, ठीक। तो अब ये 3 कहाँ होगा, ऊपर होगा, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, आर इज इक्वल टू, देखिए 50
50, ठीक है, और ये क्या है, डिवाइड, 50 डिवाइड बाई, 50 डिवाइड बाई, ऐसे लिख सकते हैं क्या? आंसर यस, 50 डिवाइड बाई 80 बाई 3 लिख सकते हैं, यही तो है ना, 50 डिवाइड बाई 80 बाई 3, यही तो है 50 डिवाइड बाई 80 बाई 3, सही है ना। तो R इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई होगा, अब ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, 3 बाई क्या मिला 80, ये मिला, तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, तो R का वैल्यू क्या मिल गया, R इज इक्वल टू 5 3 15, 5 3 15 बाई 8, ये आ गया। और ये क्या है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस कैसा यूनिट, ओ, ये आ जाता है, ठीक है। या तो फिर आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, 15 में 8 का भाग करो तो क्या आएगा, ठीक है, भाग कर लो, ठीक है, कर लीजिएगा। देखिए एकदम हम जीरो से आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको गुणा भाग आना चाहिए और आता भी है आपको, ठीक है, ओके। तो ये 15 में 8 का भाग करोगे तो 8 कितना हुआ, 7, ठीक है, तो फिर नहीं डिवाइड होगा तो डेसिमल 0, कितना होगा 8 8, ठीक है, 64 8 64 हुआ ना, ठीक है, फिर क्या होगा 6 होगा ना, फिर 0, फिर क्या मिलेगा 0, फिर 8 7 56, फिर क्या होगा 4, और ये 0, फिर क्या होगा 0, 8 5 40, ठीक है, तो आंसर आया आपका 1.875, और ये रहा ओम, इसको डिवाइड कर लिया तो आपका ये आंसर है। आप ये आंसर लिखो, ये आंसर लिखो, राइट आंसर है, ठीक है, ये आता है आपका, ठीक है। और आई का वैल्यू क्या आया, 80 बाई 3 लिखो या फिर ये लिखो, ये हमको आई और आर का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हम एच की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं आई स्क्वायर आर टी के फार्मूले से, ठीक, अब एच का वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना, तो आई का वैल्यू भी हमको मिल गया, आर का भी वैल्यू मिल गया, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, सारी वैल्यू रखो, सारी वैल्यू आपको दिया हुआ है। आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू है, आप ये रखो या तो ये रखो, ये रखने में हमें आसानी होती है, ठीक है, 80 बाई 3, अब 80 बाई 3 और स्क्वायर है इसका, तो आंसर है 80 बाई 3 मिल गया, मल्टीप्लाई आर, आर का वैल्यू क्या है, 1.875 रखो या 15 बाई 8 रख दो, तो हमने रखा 15 बाई 8, आसान हो गया। अब टी का वैल्यू, टी कितना समय तक चार्ज फ्लो हो रहा है, 96,000 कूलम, तो आंसर है 1 आवर, यानी 3600, ठीक है, 3600, ये रहो आपका, है ना, बस कैंसिलेशन कराओ आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 8 से कैंसिल कर दीजिएगा 8, ठीक है, और ये रहा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये हुआ आपका, फिर ये 3 3 4 जा, ठीक है, हो गया ना, ठीक, अब मल्टीप्लाई कर जाओ, ठीक है, जो भी आता है, तो H इज इक्वल टू 80 इंटू 10, 800 हो गया, ठीक है, 80 इंटू 10 800, मल्टीप्लाई 400 यानी 400 मल्टीप्लाई 15, तो 15 चौका 60, ये 60 हुआ और 2 0, 6000 हो गया, ठीक है। अब H इज इक्वल टू 6 इंटू 8, 8 6 48, 48 8 6 48, 2 0 3 0 5 0, ये रहा 50, 10 और ये मल्टीप्लाई आता है ना, यस हो गया, ठीक है, ये वो आपका हीट, तो ये रहा आपका जूल, और हीट कैसा यूनिट, जूल, ठीक है, ये जूल हो गया। अब इसको आप किलो जूल में यूज कर सकते हो, लिख सकते हो, यानी मेगा जूल में भी लिख सकते हो, ठीक है, तो आप जिस तरह से चाहो उस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो किलो जूल का मतलब 1000 का भाग करो, तो 1000 का भाग करोगे 30 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, एच इज इक्वल टू 4800, 30 कैंसिल हुआ 1000, तो ये होगा किलो जूल, ठीक। और अगर मेगा जूल बनाना है तो 10^6 से भाग करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा H इज इक्वल टू 4.8 मेगा जूल,
आपका आंसर ये है, आपका आंसर ये है, आपका आंसर ये है, है ना। तो आप कोई भी आंसर राइट कर सकते हो, ठीक है। ये तो रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, समझ में आया। ओके, तो ऐसे ही हम लोग ढेर सारे हम न्यूमेरिकल ही करेंगे और एक नया सेशन ही शुरू होगा हम लोग का न्यूमेरिकल का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, इसको कर लीजिएगा। ओके, तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये भी एनसीईआरटी का ही आपका। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, है ना। तो मान लीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, दो कंडक्टिंग वायर हैं। ये मान लीजिए हमने, ये हमारा एक वायर है और ये हमारा दूसरा वायर है, ये दोनों कंडक्टिंग वायर हैं, ठीक है, ये दोनों कंडक्टिंग वायर हैं। तो एक वायर छोटा है, इससे ये बड़ा है, ठीक है। तो मीनिंग हुआ टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, ये जो दोनों वायर हैं सेम मटेरियल के हैं, है ना। और हम लोग जानते हैं मटेरियल अगर सेम है तो कहीं ना कहीं उसकी रेजिस्टिविटी सेम होती है। तो इसका जो रेजिस्टिविटी है यही होगा, इसका भी रेजिस्टिविटी वही होगा, ये हुआ रेजिस्टिविटी, ठीक, सेम हो गया। फिर उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहा है एंड ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ भी है, यानी अगर ये लेंथ छोटा है ये लेंथ बड़ा है तो कहीं कहीं उसका रेजिस्टेंस जो होगा ना वो डिफरेंट होगा। रेजिस्टेंस कैसा होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन मटेरियल सेम होने की वजह से रेजिस्टिविटी सेम हुआ, और लेंथ सेम होने की वजह से, लेंथ सेम होने की वजह से हमको क्या मिला, लेंथ सेम होने की वजह से हमको मिला कि उनका रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, सेम होगा। ये भी आपका रहा रेजिस्टेंस सेम हो गया, ठीक है। इक्वल लेंथ होने से इनका रेजिस्टेंस भी कैसा हो गया, सेम हो गया, और लेंथ भी सेम हो गया। सेम मटेरियल है, ठीक है, सेम लेंथ है, तो सेम मटेरियल सेम लेंथ, ये हुआ, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस, मटेरियल हमारा मोटा पतला दुबला होने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्वल लेंथ, ठीक है, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब रेजिस्टिविटी सेम हो गई, सेम लेंथ भी सेम हो गया, ठीक है, ये बात आ गई। अब आर को भी नहीं रखेंगे, ठीक है, आर को भी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये मोटा पतला दुबला कैसा भी हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन सेम मटेरियल रेजिस्टिविटी सेम, सेम लेंथ, ये हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एंड इक्वल डायमीटर, डायमीटर भी इक्वल है, यानी इसकी मोटाई रेडियस भी सेम है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कैसा होगा, सेम होगा। तो इनका डायमीटर भी सेम है, और ये रहा, यानी अब इनकी मोटाई यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम होगा, और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हुआ तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी कैसा हो गया, सेम हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये हुआ। फिर अब इसका क्रॉस सेक्शन डायमीटर इक्वल हो गया तो इसका एरिया भी कैसा होगा, इक्वल होगा, इसका भी एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा, एरिया भी सेम है, डायमीटर आर, ठीक है, ये हुआ हमारा। तो ये सब क्वांटिटी दिया हुआ है। अब कहा है कि फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले इन दोनों कंडक्टिंग वायर को सीरीज में जोड़ा जा रहा है, फिर एंड देन इन पैरेलल, और फिर पैरेलल में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन ए सर्किट, एक सर्किट में अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसा है, आंसर है सेम है, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, आपको हीट निकालनी है, यानी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी निकालनी, ठीक, इन सीरीज एंड पैरेलल। तो रेशियो बतानी है हमका हीट प्रोड्यूस का, यानी हीट का हमको रेशियो बतानी है, किसके किसके बीच का, यानी सीरीज और पैरेलल के बीच का, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया, दो कंडक्टिंग वायर है हमारे पास जो सेम मटेरियल के हैं, उनकी रेजिस्टिविटी कैसी हो गई, सेम हो गई, इक्वल लेंथ के हैं, इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है। तो अब इक्वल डायमीटर का है, इक्वल डायमीटर का है, तो इससे जो उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वह भी सेम होगा, ठीक है, और उससे उनका रेजिस्टेंस भी सेम होगा, सेम मटेरियल का है, ठीक है। और दिया हुआ है कि इन दोनों को एक बार, एक बार मान लीजिए ये है आपका वायर, ठीक है, एक, ठीक है, पहले सीरीज में जोड़ा जा रहा है फिर पैरेलल में,
ठीक है। तो इसको हम पहले कैसे जोड़ लेते हैं, सीरीज में। तो फर्स्ट सीरीज सीरीज, और ये रहा हमारा सेकेंड पैरेलल, ठीक है पैरेलल। तो सीरीज में जोड़िए, तो इनको सीरीज में जोड़िए, है ना। तो हमने माना कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, हमने माना जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर इसका भी है, आर इसका भी है, ठीक। तो अब हमने ले लिया इसको सीरीज में, ये रहा सीरीज में। तो इनका रेजिस्टेंस आर, आर रेजिस्टेंस है, इसको हमने भी पोटेंशियल डिफरेंस के एक्रास जोड़ दिया, ठीक है। ये रहा हमारा की स्विच है, तो ये तो रहा सीरीज, और ये रहा आपका कैसा आंसर है, पैरेलल। कैसा रहा, पैरेलल। तो ये पैरेलल हो गया, ठीक है। ये की और पोटेंशियल डिफरेंस वही आपका, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस वही पोटेंशियल डिफरेंस, और ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं सीरीज कम्बिनेशन में ये आर है, ये आर है, जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो हमको क्या मिलेगा, तो आंसर है एक नया रेजिस्टेंस मिलेगा जो आर प्लस आर देगा, यानी टू आर देगा। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है वो आपका भी ही है, और ये आपका स्विच है, स्विच है ना, ठीक है, ये हमारा हुआ, ठीक। अब कहीं ना कहीं जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, ये सीरीज में है, आर प्लस आर हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा पैरेलल कम्बिनेशन है, तो पैरेलल कम्बिनेशन से हमको एक रिजल्टेंट यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, और वह जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो ये दो है और दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, है ना। तो पैरेलल कम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है, आर वन इंटू आर टू अपान आर वन प्लस आर टू, ये फार्मूला होता है ना आर पैरेलल का। दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में जुड़े होते हैं तो ये शॉर्टकट हमारा फार्मूला है। तो R ये भी है, R ये भी है, तो R इंटू आर अपान आर प्लस आर, आर प्लस आर, तो R इंटू आर, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस आर, टू आर, आर से आर कैंसिल हो गया, आर बाई टू मिला। यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका मिलेगा वो क्या मिलेगा, R बाई टू, और ये जुड़ा हुआ है सेम पोटेंशियल से, ये की आपकी, ये हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। बस अब हमको क्या निकाल लेनी है, करंट। अब हमको निकाल लेनी है करंट। देखो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हीट। हीट का फॉर्मूला हमको पता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो एक बार सीरीज से निकाल लेंगे, एक बार पैरेलल से निकाल लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। बस और दोनों को वैल्यू हम रख देंगे, आंसर मिल जाएगा हमको, ठीक। अब देखिए, तो सीरीज कम्बिनेशन में करंट निकालते हैं, सीरीज कम्बिनेशन में करंट। तो इस सिस्टम में जो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा, करंट होगा, वह क्या होगा, तो ओम्स लॉ के फार्मूला से I इज इक्वल टू वी अपान आर, ठीक है। तो वी कितना है, ये है वी पोटेंशियल डिफरेंस अपान आर, क्या है, टू आर, ये हो गया आपका यस करंट सीरीज कम्बिनेशन में। इसी तरीके से पैरेलल कम्बिनेशन में, जो जब स्विच को क्लोज करोगे तो इसमें करंट क्या होगा, वी अपान आर होगा। तो ओम सला के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू भी, भी तो आपका वही है अपान R, मतलब R और बाई टू, अब ये टू ऊपर जाएगा, ये टू भी हो जाएगा अपान R, ये समझ में आ गया ना I का वैल्यू, यस। तो पैरेलल कम्बिनेशन में I इज इक्वल टू टू भी अपान R, ठीक। अब दोनों वायर सीरीज में जोड़ा गया है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल में जोड़ा जा रहा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमको रखना है, आंसर ले जाना है, बस बात खत्म, ठीक है, ओके। अब टी, टी सेम है, यानी जो भी करंट फ्लो होगा सेम टाइम पे होगा, ठीक है ऐसा। तो अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है रेशियो ऑफ सीरीज और रेशियो ऑफ पैरेलल का, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस सीरीज कम्बिनेशन का और पैरेलल कम्बिनेशन का। ये हीट हो गया सीरीज का, और ये रेशियो हुआ हीट हुआ पैरेलल का, ये हुआ। तो इसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एच एस का फॉर्मूला, हीट हम लोग निकालते हैं सीरीज कम्बिनेशन में, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ बताइए, हीट इन सीरीज आई स्क्वायर आर टी। तो आई का वैल्यू क्या है सीरीज के लिए, आई सीरीज के लिए आई का वैल्यू है वी अपान टू आर। तो ये रहा एच एस के लिए, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एच एस रेशियो,
यानी डिवाइड बाई एच एस डिवाइड बाई एच पी है ना, यस। सीरीज कम्बिनेशन का हीट डिवाइड बाई पैरेलल कम्बिनेशन का हीट, ये ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एच एस मतलब आई स्क्वायर आर टी, तो आई फॉर सीरीज, आई फॉर सीरीज वी अपॉन टू आर, तो ये रहा वी अपॉन टू आर, और इसका क्या है स्क्वायर है वी अपॉन टू आर, टू टाइम कर दिया कोई दिक्कत नहीं, ये हुआ ठीक है, ये हुआ आई स्क्वायर के बिलू। आर आर इन सीरीज, आर इन सीरीज क्या है, आर इन सीरीज टू आर है, तो ये रहा टू आर इन टू टी, टी आपका टाइम एक ही है, ये हुआ आपका आंसर है डिवाइड बाई डिवाइड, ये तो एच एस की वैल्यू हुई, एच एस की वैल्यू हुई, अब यह है डिवाइड डिवाइड एच पी आई स्क्वायर आर टी, तो आई फॉर पैरेलल कम्बिनेशन टू भी अपान आर, ये रहा टू भी अपान आर का होल स्क्वायर होगा, तो हमने दो बार मल्टीप्लाई कर लिया कोई दिक्कत, आई स्क्वायर है ये, आई स्क्वायर किसके लिए पैरेलल के लिए, आई स्क्वायर ठीक है, आर आर किसके लिए पैरेलल के लिए क्या है आर बाई टू, वेरी गुड आर बाई टू मल्टीप्लाई टी, टी आपका वही है ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए टू से टू आर से टू आर कैंसिल होगा, हाँ होगा, वी इंटू बी वी स्क्वायर इंटू टी, वी स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई क्या होगा टू आर, यहाँ पे टू आर बचा केवल, अब यह है डिवाइड बाई यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, आंसर यस आर से आर कैंसिल होगा, टू इंटू टू फोर, वी इंटू वी वी स्क्वायर और क्या बचा हुआ है टी, टी डिवाइड बाई आर इंटू टू, आर इंटू टू ठीक, ये बचा, तो अब ये हमारा होगा ठीक है वी स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई टू आर, टू आर मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा ना, अब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टू आर डिवाइड बाई फोर वी स्क्वायर इंटू टी, अब कैंसिलेशन कराइए, ये रहा टू आर से टू आर कैंसिल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, ओ सब कट गया, तो बचा सिर्फ ऊपर से कुछ नहीं बचा, नीचे से क्या बचा फोर, तो वन रेशियो फोर आएगा, तो जो रेशियो होगा हीट प्रोड्यूस का सीरीज और पैरेलल का वह क्या होगा वन रेशियो फोर होगा, वन रेशियो फोर होगा, यह है आपका राइट आंसर, समझ में आ गया ठीक है। तो ये तो था हमारे दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। अब हम लोग का जो अगला सेशन होगा वह टोटली न्यूमेरिकल का होगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।